हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इंतजार की वो घड़ियां समाप्त हुई, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि पान वहां का फेमस था काफी ज्यादा, उसको जीआई टैग मिल गया है। इस सूची में 10 और उत्पाद भी शामिल है। पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस और पूर्वांचल क्षेत्र के 4 नए उत्पादों कृषि और उद्यान संबंधित को जीआई टैग दिया गया, जिसमें बनारस का बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भंटा बैगन और चंदौली का आदन चीनी चावल शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 7 ODOP एक जिला एक उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें गुड़ मुजफ्फरनगर, ताला अलीगढ़, हिंग हाथरस, सजर स्टोन, बांदा, आंवला प्रतापगढ़, नगीना काश कटारी बिजनौर, बखीरा पीतल बर्तन संत कबीर नगर, आदम चीनी चावल चंदौली, बनारसी पान बनारस, बंगाल बनारसी लंगड़ा आम बनारस, रामनगर भंटा बनारस शामिल है। अब बनारस और पूर्वांचल क्षेत्र के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 22 हो गई है, वहीं अब राज्य के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 45 हो गई है। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्तकर्ता 7 ODOP क्या कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नगीना काष्ट कटाई, नगीना बिजनौर जिले का एक कस्बा है जो अपने अनूठे काष्ट शिल्प के लिए जाना जाता है, इसी कारण इसे वुड क्राफ्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। मुजफ्फरनगर गुड़ गन्ना का एक उत्पाद है, इसका उपयोग स्वीटनर के रूप में किया जाता है और इसे चीनी का स्वस्थ प्रतिस्थापक माना जाता है। मुजफ्फरनगर में पिछले 50 वर्षों से यह पारंपरिक गुड़ बनाया जाता है। अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ के तालों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ वर्ष 1890 में छोटे स्तर पर तालों का उत्पादन शुरू हुआ था। हाथरस की हींग, हाथरस 100 वर्षों से हींग का एक उत्पादक रहा है। यहाँ कच्चा हींग मुख्य रूप से अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आयात किया जाता है। बखीरा पीतल बर्तन, संत कबीर नगर का बखीरा पीतल बर्तन शिल्प एक प्राचीन शिल्प है। इस शिल्प में विभिन्न प्रकार के कलात्मक बर्तन जैसे कटोरे, प्लेट, गिलास, बर्तन, जग, फूलदान, घंटियां आदि बनाए जाते हैं। प्रतापगढ़ का आंवला, प्रतापगढ़ आंवला की वैश्विक पहचान है। जिले में अमरूद और आम की खेती की जाती है। प्रतापगढ़ में कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, जूस, आंवला पाउडर और बहुत से उत्पादों का निर्माण करती हैं। सजर स्टोन कला, सजर स्टोन कला बांदा जिले से संबंधित है। सजर स्टोन केन नदी से प्राप्त होता है। इस पत्थर से आभूषण और अन्य सजावटी सामान बनाए जाते हैं। भौगोलिक संकेतक GI और इसके लाभ, एक GI टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। GI का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। यह टैग दूसरों के द्वारा किसी पंजीकृत GI के अनधिकृत प्रयोग को रोकता है। टैग से उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिलता है, जिससे उसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। टैग उत्पाद के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। तो ये जो है GI टैग जो प्राप्त हुए हैं, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इन राज्य के लिए, इन क्षेत्रों के लिए, इन जिलों के लिए। GI टैग मतलब अपने में बहुत बड़ी बात होती है, एक सम्मान होता है जो वहाँ की प्रसिद्ध वस्तु होती है। तो बनारस के पान को बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि मिली है।